हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं, आप रेलवे टिकट बुक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आप रेलवे टिकट बुक IRCTC की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप अमेज़न से कैसे टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अमेज़न पर बहुत सारे ऑफर्स चल रहे होते हैं जहाँ पर आप अगर टिकट बुक करते हो उसके लिए आपको कैशबैक मिल जाता है। तो अगर आपके पास में IRCTC का अकाउंट नहीं है तो अपने अकाउंट बना लेना चाहिए, क्योंकि आपको इसके लिए IRCTC का अकाउंट और पासवर्ड चाहिए होगा। आप देख सकते हो, आप IRCTC से अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी ट्रेन शो हो जाएगी और आप यहीं से बुकिंग कर सकते हो। तो मैं आपको अमेज़न से कैसे टिकट बुक कर सकते हैं ये बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अमेज़न ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा जहाँ से आप टिकट बुक वाले ऑप्शन पे जाइए। अमेज़न पे वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है बुक टिकट वाले ऑप्शन से। यहाँ से आप ट्रेन, बस, फ्लाइट या बहुत सारी अलग अलग जो अगर बुकिंग करना है तो कर सकते हैं, पर हमें इस वीडियो में ट्रेन टिकट को बुक करने का वीडियो ट्रेन टिकट कैसे बुक की जाती है देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपने जहाँ भी आपको जाना है वहाँ पर अपने पहले सर्च कर लेना है। आपको यहाँ पर सोर्स टू डेस्टिनेशन से अपने यहाँ पे अपने स्टेशन सर्च कर लेने हैं। जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली के लिए ट्रेन बुक कर रहा था, तो मैं यहाँ पे अपना सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सोर्स सिटी और डेस्टिनेशन सिटी। इसके बाद मैं आपको डिपार्चर में आपकी जो भी डेट चाहिए, आप उस डेट पर बुक करना चाहते हो उस डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पर कैलेंडर मिल जाएगा। आप यहाँ से मैक्सिमम 4 मंथ तक की टिकट बुक कर सकते हैं, नेक्स्ट 4 मंथ तक की। और यहाँ पे जो एक ऑप्शन है AC ओनली, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारी AC वाली जो ट्रेन है वो अवेलेबल शो हो जाएगी। तो हमने जैसी अपना डेस्टिनेशन सोर्स को चूज़ कर लिया और डेट सेलेक्ट कर ली तो हमारे पास में यहाँ पे ट्रेन की सारी लिस्ट आ जाएगी, जहाँ जो भी आपको ट्रेन यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो आपने यहाँ से अपनी जो भी आपको बेस्ट अकॉर्डिंग चॉइस होगी आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको जो भी चूज़ करना है चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से या फिर ड्यूरेशन के हिसाब से जो भी ट्रेन पहले जाती है या फिर जिसका शॉर्टेस्ट रूट है वहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आपने ऐसे सारे फिल्टर लगाने के बाद में आप यहाँ पे अपनी ट्रेन को चूज़ कर लीजिए। रूट वाले ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि आपकी जो ट्रेन है किस रूट से जा रही है। अगर आपको उस रूट से नहीं जाना है तो आप यहाँ पर रूट भी देख सकते हो। तो ये अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर अमेज़न पर आपको ये सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। तो आप यहाँ पर रूट और आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर अवेलेबिलिटी में 2 ऑप्शन हो जाएंगे, 3 ऑप्शन, जनरल के लिए सेकेंड स्लीपर, सेकेंड सीटर स्लीपर, थर्ड AC और सेकेंड AC। तो अगर आपको यहाँ पे सेकेंड सीटर करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। तो आप यहाँ से उसका फेयर भी देख सकते हो और अवेलेबिलिटी देख सकते हो। इसके लिए आपको सीनियर सिटीजन और लेडीज़ के लिए अगर बुकिंग करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो आप जैसे लेडीज़ के लिए बुक करना चाहते हो तो लेडीज़ पर क्लिक करोगे और आपको यहाँ पर जो भी चाहिए सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास स्लीपर या सेकेंड सीटर की आप यहाँ पर अवेलेबल सीट देख सकते हो। और आपको नीचे फेयर के साथ में सीट और फेयर दोनों शो हो जाएगा। तो मुझे अभी स्लीपर के लिए बुकिंग करनी है तो मैं आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नेक्स्ट पेज आता है जहाँ पे मुझे अपनी डिटेल देनी है। यहाँ पे आपको अपनी ट्रेवल डिटेल ऐड करनी है। अगर आपके साथ में अगर बच्चे हैं या फिर आपके साथ में और कोई फ्रेंड्स है तो आप उसकी डिटेल दे सकते हो। यहाँ पर आपने उसका फुल नेम, जेंडर, एज और नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ से अगर आप और भी ऐड करना चाहते हो, बच्चों को भी ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एड न्यू ट्रेवलर्स में जाके ऐड कर सकते हो, जहाँ पे आपको सेम डिटेल देनी है जैसे आपने। और आप यहाँ बर्थ भी सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको बर्थ प्रेफरेंस चाहिए, अगर आपको लोअर बर्थ चाहिए या फिर अपर बर्थ चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप एनी बर्थ रख सकते हो। इसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देना होगा, जहाँ पर आपको आपकी बुकिंग होने के बाद में आपको उसका मेल और प्रिंट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप AC को जब भी आप शो कर सकते हैं। इसके बाद में अभी ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है यहाँ को आपने पिन देना होगा जब डेस्टिनेशन पे। ये अभी कोविड के बाद में आया है, यहाँ पे आपको देना ही मैंडेटरी है। अब एड्रेस लाइन में आपको यहाँ पे जहाँ पे आप डेस्टिनेशन पे जाओगे उसके लिए एक डिटेल दे देना है। आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन की डिटेल दे सकते हो और आपका पिन कोड। ये करने के बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 चेकबॉक्स आएंगे, इसको चेक रखना है। जहाँ पे आपको इंश्योरेंस, ट्रेन इंश्योरेंस के लिए 0.49 चार्जेस होगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। एक बार आपने सारी डिटेल चेक कर ली है, आपकी जो डिटेल है सारी सही है, नहीं है अगर नहीं है तो आप एक बार फिर से उसको एडिट कर सकते हैं। और आप बर्थ भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कौन सी बर्थ चाहिए, साइड बर्थ, लोअर बर्थ, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, आपको जो भी चाहिए अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेनी है और प्रोसीड टू रिव्यू पे करनी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आपको
IRCTC का अकाउंट चाहिए होगा। मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था इसके लिए आपको IRCTC की आईडी चाहिए होगी, अगर तो आप तभी आप बुकिंग कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पे आई रिमेंबर में पासवर्ड पे क्लिक कीजिए, अगर आपके पास में पासवर्ड नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो मुझे पासवर्ड याद है तो मैं आप माई रिमेंबर पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी बुकिंग के लिए मैं अपना नेक्स्ट पेज है जहाँ पर मुझे अपनी आईडीज मैंने फिल कर दिए, अब यहाँ पर मुझे पेमेंट करनी होगी। तो मैं अपना एक बार फिर से चेक कर सकता हूँ, सेलेक्ट ऑफर में जाके आप ऑफर्स चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑफर चल रहे हैं। अगर आपके पास में ऑफर हो तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास में नेक्स्ट पेज पेमेंट पेज का आएगा। यहाँ पर आप किसी भी पेमेंट के पेमेंट कर सकते हो, अमेज़न पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI कहीं से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से। तो आप जैसे ही करना चाहो कर सकते हो। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो पेमेंट हो जाएगी वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। और इसके बाद में आपने क्या करना है, पेमेंट होने के बाद में आपको IRCTC की साइट से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको ऐसा कुछ पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड डाल के आपकी बुकिंग को कंफर्म करना पड़ेगा, तभी आपकी बुकिंग कंफर्म होगी। जैसे ही आप ये डालोगे तो आपका जो बुकिंग कंफर्म हो जाएगी और आपकी जो सीट है बुक हो जाएगी। तो ये आपके पास जो नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पे आपको बुकिंग के लिए आपकी आईडी और पासवर्ड दोनों की डिटेल देनी होगी। तो ये थी बुकिंग करने की प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।